हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर के क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम यहाँ टोटल 15 एरर के क्वेश्चन करेंगे, और इस टाइप के एरर के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के बनते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं और भी एरर पे वीडियो बना चुका हूं, तो आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ, ए क्या है? ए पार्ट है। योर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेयर, ए इतना बी पार्ट है। यू वॉज लास्ट नाइट, ये सी पार्ट है। और डी पार्ट है नो एरर है। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन को चार भागों में स्प्लिट कर दिया हूँ। ऐसा हर क्वेश्चन में है कि मैं उस क्वेश्चन को चार भागों में बांट दिया हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ से कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी क्या है एरर? वाज नहीं होगा, वर्ड होगा, क्योंकि यू फॉलो बाय वर, यू के बाद वाज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई केम इन टू द रूम वेन मैरी प्लेड द पियानो, डी क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है चार में से कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सी पार्ट में एरर है। क्या है? प्ले के जगह पर क्या हो जाएगा? वॉज प्लेइंग होगा। देखिए, यहाँ एक रूल है, जब भी दो घटना किस में होता है? पास्ट में होता है। दो घटना पास्ट में होता है। अगर दो घटना पास्ट में होता है तो फर्स्ट जो घटना वाला जो वाक्य होता है उसमें क्या लगता है? पास्ट इंडेफिनिट लगता है, अर्थात V2 लगता है। और घटना कब घटी, जो दूसरा स्टेटमेंट होता है, जो दूसरा वाक्य होता है, वो क्या होता है? वो घटना कब घटी वाला होता है। घटना कब घटी, जो घटना कब घटी वाली वाक्य में क्या लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसी कारण देखिए, यहाँ पर हमने क्या लगाया है? पास्ट कंटिन्यूअस लगाया है, क्योंकि दो स्टेटमेंट क्या है? पास्ट में है। तो एक पहला क्या है? एक घटना वाला है, और दूसरा क्या है? घटना कब घटी वाला है। तो इसी कारण इसमें हम क्या लगाए हैं? पास्ट कंटिन्यूअस लगाए हैं। तो यहाँ इसके कुल मिला के जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? आई केम इन टू द रूम वेन मैरी वॉज प्लेइंग द पियानो, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ड्स ऑफ कैटल, डी पार्ट क्या है? नो एरर है। यहाँ आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए, हर्ड्स में क्या होगा? एस हट जाएगा, हर्ड्स के यहाँ पर क्या लग जाएगा? हर्ड ऑफ कैटल यहाँ हो जाएगा। मतलब यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है? द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ड ऑफ कैटल, ये उसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज सम शीप इन द फील्ड, डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा? देखिए, यहाँ क्या है? सम शीप है, तो सम शीप कुछ शीप है। तो सम शीप के लिए क्या होगा? ईच का कभी नहीं प्रयोग करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ड लेना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे? ईच के यहाँ पर आर लगाएंगे। तो हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? देयर आर सम शीप इन द फील्ड, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग आर डिफिकल्ट, डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो देखिए, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग, ये दोनों क्या है? एक ही पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ आर के यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। Playing the drums and singing is difficult. Next question है, On the BG National Highway 40, we witnessed a collision between a truck and a bus. यहाँ D part क्या है? No error है। तो बताना है कि कौन से part में error है। देखिए, question अच्छे से समझिएगा। कभी कभी error की जगह कभी कभी वो word का भी रहता है, कि बर्ड भी मिस स्पेल्ड रहता है, उसका जो मीनिंग होता है वहाँ पर कुछ और निकलता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्या है? देखिए ये कॉलिजन, कॉलिजन मतलब क्या होता है, आपका साठ गांठ करना मिली भगत। तो क्या हाईवे पर ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा ना। तो इसके ऊपर कॉलिजन की जगह पर क्या हो जाएगा? कॉलिजन, टक्कर, कॉलिजन, टक्कर मतलब बस और ट्रक में हाईवे पे क्या हो जाएगा, जो टक्कर हुआ था। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है? ऑन द बीजी नेशनल हाईवे 40 बी विटनेस्ड अ कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली बॉर्न फ्रीडम ऑफ कंट्री। दी पार्ट है, नो एरर है। क्या चार पार्ट में से आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे है, देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है पता है आपको? न के बराबर, न के बराबर। तो यहाँ पर हार्डली की जगह पर क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो हार्डली की जगह पर इसको कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है? मेहनत से। और हार्डली का मतलब होता है न के बराबर। तो यहाँ पर हार्डली की जगह पर क्या होगा? हार्ड आएगा। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्ड बॉर्न फ्रीडम ऑफ कंट्री। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन शिप लैडन विथ मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन इन द पैसिफिक ओशियन। डी पार्ट है, नो एरर। यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है? सी में एरर है। और क्या है? देखिए यहाँ ड्रॉन नहीं होगा, ड्रॉन की जगह पर क्या होगा? संक होगा। सिंक का सेकंड फॉर्म संक। देखिए जो ड्रॉन होता है और एक होता है सिंक, इसका तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाए हैं, तब वहाँ संक हो गया है, यहाँ ड्रॉन हो गया। तो देखिए ये हम कब लगाते हैं ड्रॉन? कोई सजीव चीज जब डूबता हो, तो ये किस में लगाते हैं? सजीव चीज़ों में लगाते हैं। और ये किस में लगाते हैं? निर्जीव चीज़ों में लगाते हैं। तो ड्रॉन का प्रयोग हम कब करेंगे? जब कोई चीज़ सजीव चीज़ हो, कोई चीज़ लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। और सिंक का किस में यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ शिप क्या है? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये नॉन लिविंग है, इसी कारण यहाँ पर शिप का के लिए क्या आएगा? ड्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? संक आएगा। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है? एन इंडियन शिप लैडन विथ मर्चेंडाइज गॉट संक इन द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्लीप रैदर लेट लास्ट नाइट। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्या एरर है? स्लीप के जगह पर क्या होगा? स्लिप्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों होगा? देखिए कभी भी सेंटेंस में जो भूतकाल मतलब पास्ट को बताने वाला कोई वर्ड लगा हो, जैसे देखिए यहाँ लास्ट नाइट लगा हुआ है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट वीक भी होता है, लास्ट ईयर भी होता है, या यस्टरडे भी होता है, या यस्टरडे भी होता है, इस टाइप के जितने वर्ड अगर वाक्य में लगे हों, तो उस सेंटेंस में जो हम लोग टेंस यूज करेंगे वो क्या लगाएंगे? पास्ट इनडेफिनिट अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसी कारण यहाँ स्लिप के जगह पर क्या हो गया? स्लिप्ड हो गया है। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? द आई स्लेप्ट रैदर लेट लास्ट नाइट। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोर कंटेंडेंट बी आर विद व्हाट वी ऑलरेडी हैव। यहाँ फिर कॉमा है, द हैप्पी वी विल बी। और डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि चार पार्ट में से कौन सा पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया फ्रेंड्स? सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? यहाँ हैप्पी की जगह पर क्या होगा? हैप्पियर होगा, हैप्पी की जगह पर हैप्पियर होगा। कैसे होगा समझिए, यहाँ क्या है कि देखिए द मोर कंटेंडेंट, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है।
तो यहाँ भी क्या आएगा, कंपरेटिव डिग्री। यहाँ डबल कंपरेटिव का ये केस है। तो डबल कंपरेटिव के केस में जो हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए पहले तो द होगा, फिर प्लस में क्या होगा, कंपरेटिव होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसमें भी क्या होगा, द होगा, फिर यहाँ भी क्या कंपरेटिव होगा, क्योंकि एक कंपरेटिव तो दूसरा क्या होगा, कंपरेटिव होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए यहाँ पर द मोर, मोर क्या है, ये कंपरेटिव डिग्री है। मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता था, द मोर क्या हो गया, एक कंपरेटिव डिग्री है। तो एक कंपरेटिव डिग्री का तुलना किसी से, किससे करेंगे, कंपरेटिव डिग्री से करेंगे। तो यहाँ द हैप्पी नहीं होगा, द हैप्पियर होगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द मोर कंटेंडेंट बी आर विथ वॉट वी ऑलरेडी हैव, द हैप्पियर बी विल बी। ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेवन, द कार प्लंज इन एंड एक्सट्रीमली डीप वैली एंड ब्रश्ड इन टू फ्लेम्स। यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्लंज इन के जगह पर क्या हो गया, इन के जगह पर क्या होगा, इन को हटा के यहाँ क्या होगा, इन टू हो गया। देखिए इन टू कब लगाते हैं, जब कोई भी मूवमेंट होता हो, मूवमेंट के सेंस में हम क्या लगाते हैं, इन टू लगाते हैं। तो कार क्या हो जाएगा, प्लस इन टू हो जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, द कार प्लंज इन टू एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड ब्रश्ड इन टू फ्लेम्स। ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राॅइंग कम्पटिशन, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, बी सॉरी ए में होगा। कैसे होगा, तो देखिए टू स्टूडेंट की बात किया जा रहा है, दो स्टूडेंट की बात किया जा रहा है, और यहाँ एनी वन लग गया है। एनी वन कब लगता है, जब दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए होता है। लेकिन जब दो के लिए लगाना हो तो क्या लगाएंगे, एनी वन के जगह पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आइदर लगाएंगे, एनी वन के जगह पर क्या लगाएंगे, आइदर, आइदर लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये पॉजिटिव सेंस में, अगर नेगेटिव सेंस में होता है तो दो के लिए नाइदर लगाते हैं। देखिए आइदर और नाइदर ये हमेशा दो के लिए लगता है, और दो से अधिक के लिए क्या लगता है, एनी वन लगता है, नन लगता है। तो एनी वन पॉजिटिव के लिए, नन क्या है, नेगेटिव के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि दो के लिए हमेशा आइदर लगाएंगे पॉजिटिव केस में, और नेगेटिव केस में नाइदर लगाएंगे। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी नाइदर हैज विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून, और डी क्या है, पार्ट में नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा समझिए, देखिए नाइदर के बाद यहाँ क्या हैज है, यहाँ भी नॉर के बाद हैज है, नाइदर और नॉर के बाद जो जैसे सेम हेल्पिंग वर्ड रहता है, तो उसके नाइदर के बाद हेल्पिंग वर्ड है तो नॉर के बाद भी हेल्पिंग वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ को इसको सेटिस्फाइड कर लिया। लेकिन हैज के बाद क्या होता है, हैज इज फॉलोड बाय वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो विजिट के जहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा, और विल बी फॉलोड बाय वर्ड का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, सी नाइदर हैज विजिटेड एंड नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट अफेक्ट हिज पॉपुलरिटी इन द कंट्री, डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी में हो गया। क्या हो गया है, अफेक्ट नहीं, इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अफेक्ट होगा। देखिए अफेक्ट क्या है, ये क्या वर्ब है, और इफेक्ट क्या है, ये नाउन है। ये क्या नाउन है, तो अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, वर्ब के फॉर्म में रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए
आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो इसका जो क्या है, ये वुड के बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगा ना कि नाउन लगेगा। इसी कारण क्या हो जाएगा, यहाँ इफेक्ट की जगह पर क्या होगा, अफेक्ट आएगा, वर्ब के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट अफेक्ट हिज पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में प्रॉब्लम के रूप में दिए जाते हैं ताकि लोग कन्फ्यूज कर ले। इसी कारण अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर आप बिल्कुल साफ आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, अफेक्ट क्या है, वर्ब है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रभावित करना होता है। इफेक्ट क्या है, नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू कलर, डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ब्लू और कलर के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर इन छूटा हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू इन कलर, ये इसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट।